हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो ये वीडियो अभी रिस्पॉन्स शीट गेट की आ गई है, सारी ब्रांचेस के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को रिस्पॉन्स शीट मिल गई है और जो डिफरेंट आंसर कीज अवेलेबल हैं, अभी शायद गेट की आंसर की नहीं आई है, जो डिफरेंट आंसर कीज अवेलेबल हैं जैसे जेनिक का भी अवेलेबल और बाकी डिफरेंट बहुत लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उससे मैच करके बहुत लोगों, अब जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर इतने मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए। और बहुत लोग जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे 45 टू 55 वाले या 40 टू 55 कह दें मार्क्स जिनका आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों से मैंने खुद उनसे पूछा, जैसे जब आप गेट एग्ज़ाम जब अपीयर होने जा रहे थे, तो क्योंकि आप भी कुछ चीज़ें प्लान करते हो पहले, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ प्लानिंग नहीं करते हो, वो स्ट्रेटजी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने उनसे खुद एक क्वेश्चन किया कि आप पहले ये बताइए कि जब आप जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या आप टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, या आपने दिमाग में कभी तो थॉट आया होगा कि अगर गेट बहुत अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या क्या करूँगा, अगर मेरे एवरेज मार्क्स आ गए तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, मैं क्या करना चाहूँगा। क्योंकि कुछ लोग दिमाग में अपना एक बैठाए रहते हैं कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये करूँगा, अच्छा नहीं हुआ तो ये करूँगा, या ड्रॉप लेके तैयारी करूँगा या किसी एनआईटी को ज्वाइन करूँगा, तो कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में भी होता है। मतलब जब आप टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपकी एक दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है अगर अच्छा नहीं हुआ, इवन इफ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप कुछ ना कुछ एक प्लान बी या प्लान सी कुछ तो लेके चलते हैं। लेकिन कई लोग उसमें ब्लैंक थे, मतलब कि सर इतना ध्यान से नहीं सोचा था, सोचा था चलो एमटेक कर लेंगे कुछ कॉलेज से या हो सकता फिर से तैयारी करेंगे। तो उन्हीं के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बार्क में जनरल सबके लिए, सबके रिस्पेक्ट में बात करूंगा, सारी ब्रांचेज के रिस्पेक्ट में। तो यहां मैं टॉपिक की बात नहीं करने वाला हूं, मैं स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूं कि कैसे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं बार्क में, ठीक है ना, उसके बारे में। तो जो लोग 45 टू 55 के बीच में आ रहे हैं गेट एग्जाम में, तो देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल में अगर आप 50 प्लस ला रहे हो तो आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल बहुत आया था, टफर साइड में था पेपर, तो 55 विल बी ए गुड मार्क, है ना। अगर 50 प्लस में आप हो तो वो एक अच्छे मार्क्स में ही कंसीडर होगा और आपकी रैंक इतनी आनी चाहिए, एग्जैक्ट रैंक मैं नहीं बता सकता यार, रेंज क्या बताऊं मैं, आपकी रैंक इतनी आएगी कि आपको IITs में, जो नए IITs हैं, इवन अच्छे IITs से भी कॉल आएंगी और नए IITs से तो डेफिनेटली कॉल आएंगी आपके MTech के प्रोग्राम के लिए, तो वो एक ऑप्शन आप क्रिएट करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रखना है, वो एक ऑप्शन आप जरूर क्रिएट करके रखिए, तो वहां से आपका एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ECE की बात करूं तो ECE वालों का जो 50 प्लस मार्क्स पे या 50 टू 55 के बीच में जो मार्क्स आएगा, तो इलेक्ट्रिकल में तो वो रैंक अच्छी देगा लेकिन ECE में उतनी अच्छी रैंक नहीं देगा। इवन ECE का भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल और थोड़े ट्रिकी थे। तो ऐसा नहीं कि 55 बहुत ही बेकार मार्क्स हो जाएंगे, जैसा अगर पेपर इजी होता तो 55 बहुत अच्छे मार्क्स नहीं काउंट होते, ठीक है ना, लेकिन 55 एवरेज या एवरेज प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, ECE में 50 टू 55 के बीच में एवरेज प्लस मार्क्स हैं। तो विल गेट कॉल फ्रॉम NITs, अगर आप टॉप NITs को टारगेट करते हो तो टॉप NITs से कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे आप, फिर इंटरव्यू में आपको कन्वर्ट करना है। ECE वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है IIIT बेंगलुरु, मतलब वहां का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और वो बेसिकली उनका जो प्रोग्राम है इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा उनके प्रोग्राम है एमटेक के प्रोग्राम, और वहां बेंगलोर जगह की वजह से वहां कंपनीज बहुत विजिट करती हैं। तो ECE वाले जिनका भी स्कोर थोड़ा अच्छा है, अगर IIIT बेंगलोर से कॉल आती है तो उसको बेटा कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमटेक के लिए, बहुत अच्छी जगह है IIIT बेंगलोर, जो लोग मिड स्कोर में है, मिड स्कोर में जिनका है। आगे जब गेट स्कोर के बेसिस पे मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा, मे बी नेक्स्ट मंथ जब आपका रिजल्ट हो सकता आउट हो जाए, कि किस रेंज में किस गेट स्कोर पे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या चांसेस आपके रहेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस, जो भी प्रीवियस ईयर्स में एनालिसिस हुई है उसके बेसिस में डेफिनेटली बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप NITs को, टॉप NITs को और IIIT बेंगलोर को एक ऑप्शन में रखो एमटेक के लिए, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड चीज क्या आती है, जब आपने तैयारी, जो मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन उनसे खुद पूछा कि आपका, कि कभी ऐसा था कि गेट एग्जाम अगर अच्छा नहीं हुआ तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में था कि नहीं, तो
सबका मिक्स सा जवाब था। तो मैं क्या गाइड करूंगा, एक तो एमटेक ऑप्शंस आप जरूर क्रिएट करके रखो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है या कुछ है कि अब आप पूरा फुल टाइम तैयारी नहीं पॉसिबल है, आपको अपने घर को सपोर्ट करना है, या आप अगर फुल टाइम तैयारी करो तो जो खर्चे होंगे वो आपको नहीं अरेंज हो पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एमटेक के लिए प्लानिंग तो रखो हमेशा, है ना, 100% रखो कि एमटेक पैरेलली करते हुए, और तैयारी फिर छोड़ना मत, तैयारी आपको आगे एमटेक के साथ करना, अगर आपका एम कुछ और हायर है, ईएस निकालना, पीएसयू जाना, ये सब जाना, ठीक है ना। पीएसयू की कॉल बहुत मुश्किल है इस रेंज में आना, ठीक है ना, किसी को भी। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर जिन लोगों का बहुत लोग ऐसे होंगे डेफिनेटली दे डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू NITs और IIIT बेंगलोर और IITs फॉर MTech, है ना, वो नहीं चाहते कि वो MTech करें, ठीक है। क्लियर होता है कि सर मुझे सरकारी जॉब ही चाहिए, मैं सरकारी जॉब के लिए एम करूंगा, एक साल ड्रॉप ले लूंगा। तो आप देखो, एक साल ड्रॉप तो तुम लोगे, चलो अच्छी बात है, तुम एक साल ड्रॉप ले लोगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि गेट में एवरेज मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, है ना। गेट के थ्रू अभी पीएसयू मिलने के चांसेस बहुत आपको कम हो गए हैं, लेकिन दूसरा चांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम बार, साइंटिस्ट बनने का बहुत अच्छा चांस है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको, तो आपको कैसे यहां तक आप पहुंच सकते हो और क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो बार का एग्जाम आई थिंक 13 मार्च to 19 मार्च के बीच में आई थिंक प्लान्ड है, शायद अलग अलग स्लॉट्स होते हैं तो उसमें प्लान्ड है। और अगर मैं बार के एग्जाम की बात करूं तो अब आपको, अगर आप एमटेक एमटेक के लिए प्लान नहीं किए हो, इवन जिन्होंने एमटेक के लिए प्लान भी किया है, दोनों के लिए ये कॉमन चीज है, बार के एग्जाम है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है ना। तो एमटेक के लिए आप चाहे प्लान किए हो चाहे नहीं, या आपका केवल पीएसयू एम है, जो भी है, मतलब किसी सरकारी कंपनी में जाना, दोनों कैटेगरी के सबके लिए ये कॉमन है, ठीक है। तो आप बार के एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से लग जाओ। अब बार के एग्जाम में अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो 2 घंटे का केवल एग्जाम होता है, एंड देर आर 100 questions एंड 300 marks का टोटल होता है, ईच क्वेश्चन इज 3 marks, है ना, वहां पे 1 mark 2 marks ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है। तो वहां पे क्या होता है, वहां का अगर पेपर एनालिसिस मैं करूं तो वहां का पेपर, मतलब ये एकदम फैक्चुअल बात है और आप उठा के देखोगे तो बहुत जगह कॉमन मिलेगा, 20-30% या 10-30% कहो, 20-30% क्वेश्चन एज इट इज गेट से उठ के आते हैं, गेट में आए हुए क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं, एज इट इज, मतलब डेटा भी चेंज नहीं होता है, या सेम क्वेश्चन उठ के आ गया, हो सकता है एक आध डेटा चेंज कर दें, एज इट इज 20-30% क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन गेट के लेवल से भी टफर लेवल के होते हैं, क्या मैंने बोला। तो इसलिए पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है कि कैसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो ये रेंज वाले मार्क्स हैं कैसे वो इंप्रूव करके जा सकते हैं, अपने इस गोल को टारगेट कर सकते हैं। बार्क में अभी भी आपका हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है ना। तो 20-30% जो है गेट के एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं बार्क एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चंस टफ होते हैं, गेट के लेवल से भी टफ होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आप देखोगे 300 मार्क्स में 200 के आसपास टॉपर नॉर्मली हो जाता है, टॉपर के भी इसी के आसपास आते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चन सही करना है ना, अगर 200-210 मानूं तो 70% क्वेश्चन सही करना है ना, 100 में से 70 सही करना। तो आप बार्क एग्जाम के लिए गेट के प्रीवियस ईयर लगाने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये 20-30% क्वेश्चन 20 ही आए, मान लो 20 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, मैं कहूं 15% आया, 10% 10 क्वेश्चन भी आए, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो वो गेट के एज इट इज अगर क्वेश्चन आया और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, आपको याद, आप सीधे टिक कर दोगे वो 20 क्वेश्चन, तो आप एज इट इज करके आ गए और विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, है ना, इजिली। अब जो क्वेश्चन टफर लेवल, इसलिए गेट के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको अपना लेवल भी थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, क्योंकि 45-55 जो है गेट के रिस्पेक्ट में, तो मैं बार और गेट को अगर कंपेयर करूं तो जो गेट में 70 मार्क्स लाएंगे, 65 to 70 मान लो, नॉर्मली उन्हीं की गेट एग्जाम के थ्रू भी डायरेक्टली बार की कॉल आती है, आपको पता होगा, और एक बार का अपना ऑफलाइन एग्जाम लेके भी, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपना एक अलग से एग्जाम लेके अपना आपको क्या करता है, इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो गेट एग्जाम के थ्रू जो इनकी डायरेक्टली कॉल आती है उनकी, मान लो अराउंड 70 मार्क्स या 65 प्लस मार्क्स होते हैं, गेट स्कोर 650 से आई थिंक ऊपर होना चाहिए, 650 से ऊपर होना चाहिए नॉर्मली, तभी कॉल आती है बार के एग्जाम में, गेट एग्जाम। तो आपको, आप 45 to 55 आए हो, मतलब आपको गेट लेवल तक जाना है, कहां तक जाना है, 70 मार्क्स तक जाना है, और 1-1.5 महीने में ये पॉसिबल है,
और बहुत लोग जो 45 टू 55 ला रहे हैं उनका पोटेंशियल इस पेपर में 70 वाला रहा होगा, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन वो जो टेम्परामेंट है और जो आप माइंडसेट आपका बहुत क्लियर नहीं था, आप उतना इफिशियंट नहीं हो पाए उस 3 घंटे में, इसलिए आप इस रेंज में लैंड कर रहे हो। तो आप 70 के लायक हो, और 70 के लायक अगर गेट एग्जाम में आप थे तो आपके लिए बार और इजी है। और जो लोग इसी के लायक थे 55, वो 15% बढ़ाना कोई बहुत मुश्किल नहीं, अगर 1-1.5 महीने लग जाओगे, है ना। तो आपको मेहनत थोड़ी अपनी बढ़ानी है, थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ाना, अपना लेवल अप करना है ताकि आपको ये एग्जाम क्लियर कर पाओ, और आप क्लियर कर सकते हो। 20-30 तो गेट वाले अगर आपने कर डाले, है ना, तब तो भैया बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैंने कहा 200-210 टॉपर्स के मार्क्स हैं, मतलब उसके नीचे भी मार्क्स वालों की कॉल आएगी भैया, है ना। तो जो क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के हैं, आपको वहां सिलेक्शन कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बार्क एग्जाम में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहां भाई साइंटिस्ट वाली पोस्ट पे जा रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े टफर लेवल के, गेट से भी टफ इवन पूछे जाते हैं, तो वो नहीं बनेंगे, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। ये वाले तो अच्छे से टारगेट आपको करना ही है। और इसके अलावा आप जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बनने वाले होंगे, जो गेट के लेवल के ही होंगे, गेट के आसपास लेवल के होंगे, या गेट से थोड़े नीचे लेवल के, एक मतलब इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जो गेट लेवल के होंगे उनको आपको बनाना पड़ेगा। गेट से थोड़े इजी लेवल वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको सेलेक्ट करके उनको करना पड़ेगा, और जो गेट के कॉमन क्वेश्चन एज इट इज उठे उनको तो छूटना नहीं चाहिए भैया, याद होना चाहिए, आंसर वाला टिक करके आप आओगे वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इतना स्कोर कर सकते हो कि यू विल गेट ए कॉल, और बार्क में इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो अभी बहुत लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे रिटर्न हो जाएगा यार, बार का इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। पहले रिटर्न तो निकालो बेटा, रिटर्न अभी अगर दिमाग में है कि पहले पहला स्टेप पहले क्लियर करने की बात होनी चाहिए, पहले से ही दूसरे स्टेप के बारे में मत सोचने लगो कि रिटर्न मेरा हो भी जाएगा तो मेरे कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं है, वहां इंटरव्यू बहुत टफ होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है। और जो फाइनल ईयर वाले हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनका इंटरव्यू में उनको वो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछते, उनको पता है ये फ्रेशर है, जो 1-2 साल तैयारी किए रहते हैं उनसे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो डिफरेंस होता है, फाइनल ईयर के साथ आप हो तो आपका हो सकता है क्वेश्चन का जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इजी आपसे पूछे जाए, और जो 1-2 साल तैयारी किया उससे हो सकता है थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाए, ना। तो होता है। और बार के इंटरव्यू जब आपका रिटर्न निकल जाएगा ना, तो बार के इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएंगे, हम लोग भी गाइड करेंगे, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगे गाइड करने वाले, और हर जगह बहुत सारे आपके ब्लॉग्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस होंगे कि कैसे तैयारी करें। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो हम भी लाएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी में आपको क्या फोकस करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बार। तो अभी जो लोग आपको निगेटिविटी फैलाते हैं ना कि बार का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बेसिक्स अगर करेक्ट है ना, तो बार्क में ऑलमोस्ट एवरेज बच्चे भी जो मेहनत करके थोड़ा ऊपर आते हैं ना, वो भी सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, है ना, ऐसा नहीं कि NIT और IIT के टॉप स्टूडेंट्स ही वहां पे जाते हैं क्योंकि वो बड़े ब्रिलियंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये परसेप्शन आप बनाते हो, इंटरव्यू आप भी क्रैक कर सकते हो प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिलेगी तो, है ना। तो अभी केवल एग्जाम के बारे में सोचना है, और ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यानी कि प्रीवियस ईयर गेट ही प्रैक्टिस करने हैं, और बार के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए तो उनको प्रैक्टिस करो, है ना, और उस हिसाब से अपना लेवल अप करने की कोशिश करो। जिन कॉन्सेप्ट में आपका लेवल थोड़ा गेट को मैच नहीं कर पा रहा उनको अप करने की कोशिश करो, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार्क में, है ना। और प्रीवियस ईयर तो लगा ही जाओ बेटा, रिसेंट 10-15-20 साल के, ताकि वहां से क्वेश्चन आए जो एज इट इज उठ के, वो तो छूटने नहीं चाहिए। और जो क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे एग्जाम में, वो सिलेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे पढ़ के समझ में नहीं आया, हवा ही नहीं लगी, छोड़ो वो मेरे डोमेन का नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है 20-25 क्वेश्चन ऐसे छोड़ने पड़े, लेकिन जो 70-75 क्वेश्चन बचे उसमें 60-65 भी आप कर आए, और उसमें से जो ये 20-30% क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट वाले होंगे, तो आपका सिलेक्शन रिटर्न में इजिली हो जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए लगोगे। अभी से दिमाग में नहीं कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग इस रेंज में है उनको अपना लेवल, अपना हार्ड वर्क 1-1.5 महीने में और बेटा अपने आप को पुश करो, है ना। और आप 70 के लायक आराम से इस गेट एग्जाम में हो सकते थे, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ चीजें मिस हुई, तो ये 1-1.5 महीने जाए, 1 महीने के आसपास बचा हुआ है, उसमें एकदम अपना लेवल अप कर दो, बार का आप आराम से क्रैक कर सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो लोग बार को अभी टारगेट तो करना ही है सबको, बाकी आपके पास जब गेट स्कोर आ जाएगा तो NITs IITs कहां और आप जा सकते हो पैरेलली
एमटेक करना है, अगर आपने आपको सिक्योर करना है एमटेक करने जा सकते हो, उसके साथ में तैयारी करना है, तो उस सब के रिगार्डिंग, गाइडेंस के रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो बार्क एग्जाम अभी आपका सेंटर ऑफ फोकस होना चाहिए, उसके लिए लग जाओ। अब गेट जैसा हुआ 45-50 आ रहे थे, इट्स ओके, जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते, इस स्कोर पे जो मिलना होगा वो मिलेगा लेटर ऑन, लेकिन अभी क्या है गेट, और बार्क बहुत ज्यादा गेट से रिलेटेड है, गेट हो चुका है, तो गेट का आपने प्रीवियस ईयर अभी भी प्रैक्टिस किया होगा, अब फिर से प्रैक्टिस करो ताकि ये वाले एरिया को टारगेट करो। जो टफ क्वेश्चन बार के बहुत आएंगे उनको छोड़ो, जो गेट लेवल के होंगे, गेट केजी, उनको टारगेट करोगे तो यहां पे रिटेन एग्जाम आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। और जो गेट एग्जाम के थ्रू हैं, जिनके 70 मार्क्स के आसपास आए होंगे, उनको डायरेक्ट बार्क से कॉल आ सकती है ना, वो एक गेट स्कोर का कट ऑफ होता है, अगर उससे आप ऊपर हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आती है। तो यानी कि जब 70 मार्क्स गेट वाले को डायरेक्ट कॉल आती है तो आपको यानी कि अपना लेवल यहां से अप करके कहां पहुंचाना है, 70 तक पहुंचाना है, और बहुत लोगों का लेवल 70 तक का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको अभी से एक महीने लग जाना है। अब ये परेशानी बार बार नहीं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना नहीं सोचना बेटा, नेक्स्ट ईयर फिर से चांस मिलेगा, कुछ और करने का भी चांस मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये एक एग्जाम आपके ट्रू पोटेंशियल को डिसाइड नहीं कर सकता। अभी आप बार्क फोड़ के आ जाओगे ना, हो सकता है जो 65 अभी ला रहा हो ना इस पेपर में, उसको बार्क एग्जाम में बैठा दोगे, हो सकता है आपके आपसे परफॉर्मेंस हो सकता है उसकी अच्छी ना आए, क्योंकि ये 2 घंटे या 3 घंटे का गेम है, कई बार आपका क्लिक नहीं किया उस 3 घंटे में कुछ चीजें, तो जो 65 वाला आपसे आगे निकल गया, वही चीज उसके साथ बार्क एग्जाम में उस स्टूडेंट के भी साथ हो सकती है। तो आप अपना लेवल अप करो, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, एकदम लगे रहो, तो आप इस बार्क एग्जाम के रिटर्न को इजिली क्रैक कर सकते हो। और अगर ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी, और इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता बेटा जितना हुआ लोगों ने बना रखा है, ठीक है ना। तो आप अगर रिटर्न निकालोगे तो अपने आप मतलब आप एक लेवल पे हो यार, तो इंटरव्यू भी क्यों नहीं निकाल सकते, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा डेफिनेटली निकाल सकते हो, तो इतना सोचना क्यों, बस उठ जाना है, लग जाना है, और एकदम इस एक महीने में एकदम बार्क एग्जाम पे फोकस करना, सब भूल जाना है, आगे इस स्कोर पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अब नहीं, बस एक ही फोकस सीधा क्या बार्क, बस वही दिखना चाहिए और उसी के हिसाब से लग जाना है। और जैसा मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको पेपर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 100 क्वेश्चंस हैं 120 मिनट में, तो एक सवा मिनट मिल रहा है आपको, 1.5 मिनट, तो ये 20-30% क्वेश्चन जो डायरेक्ट गेट के आते हैं ये मतलब देख के टिक हो जाने चाहिए, ताकि जिसमें 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड लगा, बाकी क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट दोगे, 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो छोड़ोगे भी जो बहुत टफ होगा, तो वो स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए, और इस स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे जो मैं बता रहा हूं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है गेट के प्रीवियस ईयर। इसरो के भी कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि इसरो भी वही साइंटिस्ट लेवल का, बार्क भी साइंटिस्ट लेवल का, साइंटिस्ट वाली जॉब, तो इसरो के पेपर प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, बार्क के अगर मिल जाए तो बार्क के लगा सकते हो, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। और गेट के प्रीवियस ईयर तो एकदम प्रैक्टिस करके एकदम क्वेश्चन याद हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आएंगे तो बेटा डायरेक्ट टिक करने का भी तो याद होना चाहिए ना कि क्या आएगा आंसर, है ना, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देख के आंसर टिक आप कर पाओ, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो सॉल्व करके टिक करना, ऐसा नहीं कि यार ये शायद आंसर था, इस तरह से टिक मत करना, है ना, सिंपली अगर एकदम एग्जैक्टली याद है वो क्वेश्चन गेट में आया था इसका यही आंसर है, टिक करके आगे बढ़ गया ना, और ऐसा आता है और हमेशा से ये पैटर्न रहा है बार्क में, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली गेट के लिए जाते हैं, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ बार्क। तो अभी बार्क एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, उसको टारगेट करो, उसके बाद बाकी एनआईटीज आईआईटीज की बात आगे करेंगे, जब आपका गेट का रिजल्ट आ जाएगा, गेट का स्कोर आ जाएगा, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, और आप ड्रॉप लेना चाहते हो, अगर आप संशय में हो तो क्या बेस्ट डिसीजन होगा, हम लोग गाइड करेंगे, डिसीजन आपको लेना होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, किसी और गाइडेंस के साथ। पंकज सर का कल शायद लाइव सेशन था आपको गाइडेंस देने के लिए 2021 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन शायद नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए हो नहीं पाया, तो मे बी जैसे ही वो सारी चीजें सही हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आएंगे गाइड करने। तो हम लोग हमेशा ऐसे आपको गाइड करते रहेंगे, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देते रहेंगे कि क्या करना चाहिए। तो जो 45-55 आए हैं, दे डोंट गेट अपसेट सो इजिली, मतलब इतना इजिली अपसेट नहीं होना, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बेटा, लग जाओगे, चलते रहोगे तो कुछ ना कुछ क्रैक करके दिखा दोगे, है ना, 100%, है ना। जो यही मार्क्स आने के बाद जो लोग गिव अप कर देते हैं वो भीड़ से एकदम अलग, और एकदम वो भीड़ से सोचते हैं हम अलग हो रहे हैं, और वो उसी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं जो सबसे बड़ी भीड़ है, जिसमें फेलियर्स वाले लोग हैं, जिनको कोई सक्सेस, अच्छी सक्सेस नहीं मिली, है ना, जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। और आप अगर लगे रहोगे तो उसी भीड़ से अलग हटके आप एक साल
छह महीने, एक साल, डेढ़ साल बाद कहीं ऐसी जगह होगी जिसको लोग सक्सेसफुल कहेंगे कि आप एक अच्छी जगह चले गए, एक अच्छी रेपुटेड जॉब में हो, आपने कुछ क्रैक करके दिखाया, कुछ अचीव करके दिखाया। ठीक है, तो आपको लगे रहना है, चलते रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है लाइफ का। तो लगे रहिए, और जेनिक भी आपके साथ लगे रहेगा, हमेशा आपको गाइड करते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।